हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं जहां से आप इंस्टाग्राम की फेक चैट, फेक अकाउंट वेरीफाइड एंड फेक रील्स पे आप जितने चाहे उतने फॉलोअर्स बढ़ा के, रील्स पे व्यूज़ बढ़ा के आप फेक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चैट का भी ले सकते हैं फेक स्क्रीनशॉट। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसके बाद TMC को एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुका है। ठीक है, ओपन करने के बाद में आपको सबसे पहले प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर कुछ नाम नहीं पड़ा है। अब चलते हैं एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन में। अब यहाँ पे अकाउंट को वेरीफाइड करना या नहीं करना वहाँ पे आपको टिक कर लेना है। वहाँ पे टिक करने के बाद में मैंने टिक कर लिया है, जैसे वेरीफाइड अकाउंट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको जो अपना नाम है वो लिख देना है, जैसे कि यूज़र नेम लिख देना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया है गुरु के टिप्स ऑफिशियल, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब इसके बाद में जो आपका नेम है वो यहाँ पे डाल देना, जैसे मैंने डाल दिया गुरु के टिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया क्योंकि ये हमारे चैनल का नाम है तो इसलिए हम इसी को ही डाल देते हैं। अब इसके बाद में बायो में आपको कुछ लिख लेना है, जैसे कि मैंने लिख लिया बायो में क्रिएटर। ठीक है, तो ये बायो भी हमारा हो गया। अब इसके बाद आपको पोस्ट डालना है कि मतलब आपने कितनी पोस्ट करी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पोस्ट मैंने डाल ली है 500 एंड अब चलते हैं फॉलोअर्स के ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप जितने मर्जी फॉलोअर भर सकते हैं, जितने मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको स्क्रीनशॉट लेना ही, तो चाहे जितने फॉलोअर्स यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे फॉलोइंग का ऑप्शन है कि कितने लोगों को आपने फॉलो किया, तो वहाँ पे मैं 50 कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हम लगाएंगे प्रोफाइल, तो परमिशन अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे गैलरी के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से एक कोई भी इमेज उठा के उसको हम प्रोफाइल में लगा देते हैं। जो ऊपर एरो दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्रोफाइल हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं रील्स के ऑप्शन में। ठीक है, तो इसके बाद आपको आ जाना, मतलब मैं आ जाता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए रील्स के ऑप्शन में। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेना है, जो क्रिएट लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कोई भी एक वीडियो आपको उठा लेनी है, क्योंकि मैं रील्स डालने वाला हूँ तो इसलिए एक वीडियो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये एक वीडियो क्लिप मैं यहाँ से ले लेता हूँ, राउंड टू हेल की है वीडियो क्लिप, तो उसको मैं यहाँ से ले लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन लिख लेना है, जैसे कि मैंने लिख दिया R2H। ठीक है, राउंड टू हेल के, तो ऐसा लिख दिया कि अब इसके बाद म्यूजिक नेम भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने लिख दिया चमक चलो। ठीक है, अब इसके बाद में आपको लाइक्स बढ़ा लेने हैं, जितने मर्जी आप लाइक्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लाइक्स के बाद में आप कमेंट को फिल कर लेना और ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी रील्स रेडी हो चुके हैं विद लाइक्स एंड कमेंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, अमेजिंग ये ऐप। इसके बाद हम चलते हैं चैट के ऑप्शन में। तो यहाँ पे चैट के ऑप्शन में हम आ गए। यहाँ पे एक और प्रोफाइल आपको बना लेनी है, मतलब जिस बंदे के नाम से आपको चैट करनी है, जैसे कि मैंने बना लिया विराट के नाम से। तो यहाँ पे अकाउंट को वेरीफाइड भी कर दिया और विराट कोहली नाम भी डाल दिया। यहाँ पे नीचे आप निकनेम कुछ भी डाल सकते हैं, वो भी डाल दिया मैंने। अब इसके बाद में बायो में कुछ लिख लेना है उसके जैसा, कि मतलब जैसा उसके बायो में हो जिससे आप फेक चैट बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे उसके भी फॉलोवर्स, पोस्ट एंड फॉलोविंग यहाँ पे आपको डालना पड़ेगी, सेम जैसे कि आपने अपनी प्रोफाइल में डाली थी। तो सेम यहाँ उसी तरह से आपको यहाँ पे भी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको फिल करने के बाद में आपको ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है तो वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। वहाँ पे क्लिक करते ही ये भी प्रोफाइल रेडी हो जाएगी फेक चैट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल रेडी हो चुकी है विराट के नाम की। अब यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेना है। टाइम सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे जो मैं लिखूँगा, जैसे मैंने लिख दिया हाय सर, तो जो राइट वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो वो मैसेज आएगा। और यहाँ पर जैसे लिख दिया हेलो, तो अगर उधर से मैसेज बुलाने हैं तो जो लेफ़्ट वाली बटन है उस पर आपको क्लिक करना है, जो लेफ़्ट वाली है। अगर भेजना है तो राइट वाली, अगर बुलाना है तो लेफ़्ट वाली पे आपको क्लिक करना है। तो अब इसके बाद बता देते हैं, ये ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पर सर्च कर लेना है इंस्टाफन, इतना सर्च करने पर ये ऐप आ जाएगा। और इस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।